अगर आप बेरोजगार हैं और स्वरोजगार की तलाश में हैं तो परेशान ना हो। दरअसल गया जिले के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी प्रशिक्षण केंद्र डेल्हा में इन दिनों मोबाइल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिले के 35 युवा मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप भी मोबाइल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं और खुद का मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो अगले महीने से शुरू होने वाले प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण 30 दिनों का होगा और 30 दिनों के भीतर युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। गया जिले के बेरोजगार 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के युवा मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो पीएनबी आरसीटी के डायरेक्टर सुनील कुमार से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार उनके मोबाइल पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पीएनबी आरसीटी से अगर गया जिले के हैं तो पीएनबी आरसीटी गया में ट्रेनिंग ले सकते हैं जो 30 दिवसीय है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग लेके, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नहीं, उसके अलावा जो है हम लोग जो है आपका सॉफ्ट स्किल में मार्केटिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, सारे तरीके से हम लोग उन लोगों को सहयोग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद लोन की व्यवस्था? हाँ, ट्रेनिंग के बाद लोन की व्यवस्था है। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लोग आएंगे और ये मोबाइल रिपेयरिंग बैच का वो लोग ऑनलाइन पीएमईजीपी का एप्लीकेशन भरवाएंगे। पहले स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक भी यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि जब कंक्लूड होने लगेगा उसके 2-3 दिन पहले आ करके इन लोगों का हम लोग भी पीएमईजीपी के की ओर से, ताकि इन लोग बच्चों को वो 30% 35% 25% जो सब्सिडी है उसका भी इनको लाभ मिल सके। ये मैक्सिमम 35 लोगों का बैच होगा जो कि 18 से 45 साल के उम्र के बच्चे बच्चियां, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल कैंडिडेट को इसमें प्राथमिकता दी जाती है और खास करके गांव के लोगों को। वो हम लोग लोगों तक पहुंचते भी हैं, हम लोग ईएपी भी करते हैं, जा करके बताते भी हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, और वो लोग हमारे यहाँ आ करके भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इवन हमें मोबाइल पे भी अपना नंबर, नाम, पिता का नाम बीपीएल है या एपीएल है भेजते हैं तो हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं, और उन लोगों को जब ट्रेनिंग दे शुरू करने जाते हैं तो उन लोग से भी कांटेक्ट कराते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। यहाँ बहुत कुछ सीखे, जैसे मोबाइल का क्या चीज़, उसको आईसीओसी जैसे फोल्डर उल्टर जैसे बनाने के बारे में, डेट प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के बारे में, अगर तो मोबाइल खराब रहेगा तो उसको बना लेंगे, उसको बना लेंगे। तो आगे क्या इरादा है? आगे इरादा है स्वरोजगार करने का, स्वरोजगार जी। बता दें कि मोबाइल रिपेयरिंग के बैच में अधिकतम 35 युवा प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। 30 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को रहने और खाने की व्यवस्था आरसीटी के द्वारा की जाती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गया आरसीटी के डायरेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण होता है और इस 30 दिनों में मोबाइल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल प्रशिक्षण के अलावा स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, बैंकिंग की भी जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण लेने के बाद युवा अगर लोन लेना चाहते हैं तो जिला उद्योग विभाग के पीएमईजीपी योजना के तहत लाभ भी मिलेगा। गया से लोकल एटिन के लिए कुंदन कुमार।